आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वॉर इज एमिनेंट। वॉर जो है अब हो के रहेगा, तो आप ये समझिए कि इस समय सिचुएशन इज क्वाइट डेंजरस। अमेरिका ने वार्न कर दिया है, किसी भी समय अब युद्ध हो सकता है, रशिया किसी भी समय इन्वेड कर सकता है। तकरीबन 130,000 सैनिक जो हैं वो डिप्लॉयड हैं यूक्रेन के बगल में, यूक्रेन के बॉर्डर से बस 80-90 किलोमीटर दूर। अभी ये कयास लगाया जा रहा था कि ओलंपिक्स शायद खत्म हो जाए तो उसके बाद रशिया इन्वेड करेगा, लेकिन अब कभी भी इन्वेजन हो सकता है। ओलंपिक्स हो रहे हो नहीं हो रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। व्लादिमीर पुतिन, हालांकि रशिया अभी तक ये बोल रहा है कि देखिए हम इन्वेड नहीं करेंगे, हमारा कोई भी प्लान नहीं है, आप प्रोवोकेटिव एलिगेशंस लगा रहे हो। अमेरिका ही बार बार बोल रहा है, अमेरिका बार बार ये सर्कुलर जारी कर रहा है। और अभी अमेरिका ने ये बोल दिया है कि भाई देखो, हमारे जितने भी वहां पे काउंसलर्स हैं, सिटीजन्स हैं, तुरंत यूक्रेन छोड़ दो, तुरंत, इमीडिएटली। और जो बाइडन ने बोला कभी भी इन्वेजन हो सकता है, इसलिए तुरंत यूरोप छोड़ो, मतलब यूक्रेन छोड़ो। और अभी 30,000 अमेरिकन जो है वो यूक्रेन में हैं इस समय, फंसे तो नहीं हुए, मतलब वहां पे हैं। यूक्रेन के अलेक्जेंडर ज़ेलेंस्की जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, कोई भी इन्वेजन नहीं होगा, हम बिल्कुल निपट लेंगे, हमारे साथ नेटो है। लेकिन दोस्तों, यहां पे यूरोप, नेटो भी पीछे हाथ खींच रहा है। भले ही यूक्रेन बहुत बातें कर रहा है, नहीं, लेकिन नेटो ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे ही अमेरिका ये ने बोला, तुरंत जापान ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला, और उसके बाद लगभग 12 से ज्यादा कंट्री, नॉर्वे, साउथ कोरिया, सब के सब बोल रहे कि भाई निकलो, अपने सिटीजन को बोला बाहर निकलो। अच्छा, भारत क्या 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 हिसाब किताब है? एच जयशंकर ने बोला है कि भाई देखो, ना हम किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है, नॉन अलाइनमेंट वाला हिसाब किताब। लेकिन भारत 20,000 स्टूडेंट्स, इसमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं, वो इस समय यूक्रेन में है। तो अगर युद्ध होता है, रशिया इन्वेड करता है, तो इनको भी तो प्रॉब्लम होगी, और भारत को ये सोचना होगा, भारत को इनको निकालना होगा। अब हालांकि अमेरिका जो है वो ट्रूप्स भेज रहा है, अमेरिका ट्रूप्स भेज रहा है, लगभग 3,000 के करीब अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो पोलैंड पे पहुंच जाएगा, पोलैंड पे ऑलरेडी तैनाती है। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका ये युद्ध करने के लिए नहीं, हालांकि व्लादिमीर पुतिन को साफ कर दिया जो बाइडन ने, फोन कॉल पे बोला है साफ साफ कि भाई देखो, अगर तुमने कुछ भी किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हम वैसे डिप्लोमेसी से मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर रशिया ने इन्वेड किया, यूक्रेन पे कब्जा किया, तो तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन दोस्तों, ये बातें हैं, मुझे नहीं लगता जो बाइडन ऐसा कुछ करेंगे। जो ट्रूप्स भी भेज रहे हैं वो अमेरिकन को निकालने के लिए है। अमेरिका, कैनेडा, ब्रिटेन सबने ये बोल दिया कि भाई कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स अवेलेबल है, सब फ्लाइट पकड़ो, निकलो वहां से जितनी जल्द से जल्द हो सके, कभी भी इन्वेजन। ये जो एडवाइजरी जारी की है ना, ये बहुत गंभीर है, इसका मतलब इन्वेजन होगा। अभी रशिया ने नेवी ड्रिल्स की, नेवल ड्रिल्स की, बकायदा प्रॉपर ड्रिल्स चालू है, और यूक्रेन रशिया से अकेले नहीं पड़ सकता, नामुमकिन है। यूक्रेन के 11 लाख सैनिक है, रशिया के 29 लाख से ऊपर सैनिक है। यहां पे जो बाइडन ने सीधा बोला है कि बेटा, हम कोई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं डील कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है जिससे हम डील कर रहे हैं, तो ये भूल जाओ और निकलो यहां से फटाक से, विदाउट थिंकिंग। तो यूक्रेन और रशिया का कोई कंपैरिजन नहीं है हर चीज में, चाहे वो फाइटर टैंक्स हो, चाहे वो मिसाइल हो, S-400 की भी तैनाती हो गई है, चाहे वो गन्स हो, चाहे वो व्हीकल्स हो। जहां यूक्रेन के पास से कम है, 10 से 12 गुना ज्यादा रशिया के पास है। तो कोई मैच है ही नहीं यूक्रेन रशिया का। जिस दिन रशिया इन्वेड करेगा, 2-3 दिन के अंदर पूरा यूक्रेन रशिया के पास आ जाएगा, अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और कहीं ना कहीं यूक्रेन इतना उछल रहा है नेटो के बल पे, लेकिन यूरोप पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह जमीनी हकीकत है दोस्तों, युद्ध का आगाज अब कभी भी हो सकता है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। द वॉर इज एमिनेंट, वॉर होके ही रहेगा, यह सच्चाई है, वरना इतना कोई मिलिट्री बिल्डअप क्यों करेगा। देखिए, वॉर
मतलब इन्वेजन तो होगा, इन्वेजन होगा। इससे पहले लगे जो बाइडेन बोल चुके हैं कि इनकर्जन में नहीं, फुल ऑन इन्वेजन पे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अमेरिका वैसे ही देखिए, आपने देखा कि अमेरिका भी दूसरों के फट्टों में हाथ नहीं अड़ा रहा है, ना ही अमेरिका ना ही नेटो। उसने अफगानिस्तान में देखा क्या हुआ, ऑलरेडी रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ये इसको वर्ल्ड वॉर थ्री से क्यों कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश, पूरा यूरोप इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, और जो लोग देश नहीं भी इन्वॉल्व है जैसे जैसे फ्रांस और जर्मनी, वो अगर मान लीजिए कि फिर से इन्वेजन होता है जैसे 2014 में क्रीमिया पे, मैं आपको दिखाता हूं क्रीमिया, बताया तो है मैंने वैसे कई बार, लेकिन ये वाला जो क्रीमिया है ना, ये रशिया के पास गया 2014 में। तो जब क्रीमिया रशिया के पास गया तो रशिया पे पूरी दुनिया ने, अमेरिका ने, नेटो मतलब अमेरिका समझिए, अमेरिका का ग्रुप, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए तगड़े, है ना। तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए। अब अगर फिर से ये पूरे यूक्रेन जो है भाई, 8th लार्जेस्ट कंट्री है पूरा यूक्रेन जो है, अगर रशिया के पास आ जाता है तो पूरी तरीके से सैंक्शन लगा देंगे। यानी कि यूरोप के बड़े बड़े देश गैस के लिए, पेट्रोल के लिए कहीं ना कहीं रशिया पे निर्भर है, वो भी कट जाएगा। तो अब रशिया जब उनको नहीं सप्लाई करेगा या सैंक्शंस लग जाएंगे, तो जर्मनी, फ्रांस, नॉर्ड गैस पाइपलाइन है ना, उनको ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड होना पड़ेगा और दाम बढ़ेंगे। तो ये इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन होगा। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं, तो महंगाई बढ़ती है, तो इससे हर किसी को नुकसान होगा। बात ये है, देखिए मुझे क्या, अगर आप एक्सपर्ट्स की बात माने तो रशिया कुछ गलत नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन वो रशियन एम्पायर का आज से नहीं सदियों से पार्ट है, ठीक है। अब 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन आया, 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन आया तो यूक्रेन आजाद हुआ, लेकिन 1925 में जब सोवियत बना फिर यूक्रेन रशिया के साथ आ गया, फिर 1991 में ये 16 सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो हैं वो अलग हो गए, तो 15 नए देश बनाए गए, जिसमें यूक्रेन को भी एक अलग देश बनाया गया। यानी कि असली आजादी 1991 में यूक्रेन को मिली है। लेकिन यूक्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें इतिहास बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीजें कैसे कैसे बदली हैं। देखिए जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ है ना, तो दो ग्रुप बने, एक अमेरिका का बना, मतलब यूनिपोलर बायपोलर वर्ल्ड, एक अमेरिका का बना और एक बना रशिया का, सोवियत का। अब अमेरिका ने बनाई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला गया नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसमें पूरा यूरोप और लगभग सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, डेमोक्रेसीज थी। सोवियत ने बनाया वार्सो पैक्ट। अब जब 1991 में सोवियत टूटा तो ये वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, यानी कि बचा सिर्फ नेटो। अब 15 में से 14 देश जो सोवियत का पार्ट थे वो धीमे धीमे नेटो का पार्ट हो गए, यानी कि अमेरिका से जुड़ गए पूरा का पूरा यूरोप। सिर्फ और सिर्फ अभी तक यूक्रेन बचा है, मेन पॉइंट यही है युद्ध का। अब व्लादिमीर पुतिन सही बोल रहे हैं कि तुम भाई ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बंद करो, तुम बंद करो, एक्सपैंड मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। नेटो में शामिल होने के लिए आर्टिकल 5, मतलब जो क्लॉज 5 है, शामिल होने के लिए सबसे पहले तो का बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर करप्शन नहीं होना चाहिए, ये सब यूक्रेन में है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तुमको ले लेंगे, तुम नेटो में आ जाओ। अब यूक्रेन और रशिया ये दोनों भाई, सिर्फ यहां पे नेटो की बात नहीं है, ये बहुत समय से एक दूसरे का पार्ट है। लेनिन ने तो एक बार ये बोल दिया था कि अगर यूक्रेन को रशिया से अलग कर दो तो इसका मतलब शरीर से मुंडी उखाड़ दी, आत्मा ही चली गई, ये बोल दिया था लेनिन ने, जो कि रशिया के फाउंडर, फाउंडिंग फादर है। तो आप ये समझिए कि यूक्रेन रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी कुछ नहीं किया गया तो अमेरिका, यूक्रेन भी अमेरिका के साथ चला जाएगा, नेटो में चला जाएगा। अब यहां पे मूड खराब है, यही बोल रहा है रशिया अमेरिका को कि तुमने, हमने सारे देशों को ले लिया, सब नेटो में चले गए, लेकिन यूक्रेन को मत लेना। तो इसीलिए आप देख सकते हो पूरी तरफ से घेराव कर लिया है रशिया ने। तो पूरा मेन मुद्दा ही यह है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में चला जाए, और जिस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं, यूक्रेन डेफिनेटली नेटो में जाएगा। तो अब रशिया क्या करे, व्लादिमीर क्या करे, बस एक ही तरीका है, यूक्रेन को रशिया से मिला दो। लेकिन यूक्रेन आजाद है, यूक्रेन आजाद है भाई, वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे अलग सरकार चलती है। तो यूक्रेन बिल्कुल नहीं बोल रहा है, और बहुत ही अपने आप को दे आर वेरी प्राउड, है ना। और यूक्रेन इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा डेवलप्ड है यूक्रेन। तो इसीलिए यहां पे दिमाग खराब है रशिया के व्लादिमीर पुतिन का, और व्लादिमीर पुतिन ने पूरा का पूरा ये घेराव किया हुआ है। अभी बेलारूस के साथ रशिया की
ड्रिल्स भी चल रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ड्रिल है 10 दिन तक चलेगी, इसी में ही काम तमाम होगा यूक्रेन का, इसी में यूक्रेन में इन्वेजन होगा। बात यह है कि अमेरिका युद्ध में कूदेगा, अमेरिका को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कहता है कि हाँ कंसीक्वेंस के लिए तैयार रहना, कभी जो बाइडन कहते हैं कि भाई देखो हम पीछे हाथ खींच लेंगे, कुछ नहीं पता। अगर अमेरिका कूदता है तो फिर फुल ऑल स्केल वॉर होगा जिससे पूरी दुनिया भुगतेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर अमेरिका नहीं कूदता है तो अमेरिका को और पूरी दुनिया को इसमें ज्यादा फायदा है। यूक्रेन झल्ले जाओ भाई, क्या कर सकते हैं, कम से कम वॉर से तो बच जाएंगे क्योंकि हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। तो फिलहाल बड़ी बात यह है कि युद्ध का आगाज कभी भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे अपने नागरिकों को बोलना कि तुम छोड़ के निकल जाओ, तुम जो डिप्लोमैट्स वहां के तुरंत निकलो, यह बताता है कि सिचुएशन खराब हो चुकी है, पूरी तरीके से सिचुएशन हाथ से निकल गई है। तो अब फिलहाल देखेंगे, वैसे युद्ध का जो मतलब कब रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन को, वो फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में ऐसा हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। वरना आप खुद बताइए, इतना जो डिप्लॉयमेंट है देख लेना पूरी, ये सब अगर आप मिला लो ना, और ये जून से डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी थी, अगर ये आप पूरा मिला लो तो समझो कि 130,000 से ऊपर सैनिक है रशिया के और बाकी रिजर्व्ड में है और सारे के सारे आधुनिक हथियार जो है वहां तैनात कर दिए हैं। तो आई होप आप समझ में, आपको समझ में आया होगा कि सिचुएशन क्या है। फिलहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक और चीज बस बताना चाहूंगा, यूपीएससी भाई, यूपीएससी 1, 2 और 3 साल का जो हमने कोर्स बनाया है बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, अब हमने सब लाइव कर दिया है। लाइव क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है, तो डाउट सेशन, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, आंसर राइटिंग, सब कुछ हम लाइव देंगे, जरूर कोर्सेज को अवेल करें। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।